कौन सी गारंटी के तहत हमें ये काम करना है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो वेस्टिंग गारंटी जो आज जो हम देते आ रहे थे वो आज से संपूर्ण बंद कर दी गई है। तालियां। कोई भी वेस्टिंग गारंटी ना बॉम्बे के व्यापारी करेंगे, ना दिल्ली के व्यापारी करेंगे, ना बेंगलोर के करेंगे, ना हैदराबाद के करेंगे, किसी भी राज्य के कोई भी व्यापारी वेस्टिंग में फोल्डर नहीं बेचेगा गारंटी में। अच्छा, उसकी एक पैरामीटर भी रखी गई है साथ में कि भाई अगर गारंटी तो देनी पड़ेगी, भाई सर हमने गलत माल भेज दिया तो कस्टमर की क्या उस पर भुगतान होगा, तो उसके लिए जो रखी गई है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो उसमें तीन महीने की गारंटी रखी गई है, मात्र तीन महीना। तीन महीने के ऊपर कोई भी व्यापारी फोल्डर की गारंटी नहीं देगा। देगा तो उसके ऊपर क्या क्या पेनल्टियां लागू हो सकती है वो आप सभी को भी बताई जाएगी आगे। तो ये सबसे पहले आप अपने लिए आज से अभी से निश्चित हो जाएं कि फोल्डर में मात्र तीन महीने की गारंटी है। क्वालिटी वाइज जो आप बेचते हो वो आप बेचते रहो कि आपकी क्या प्रीमियम क्वालिटी है, उसमें क्या रेट प्लस करना है। हर आदमी अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से लेके चलता है, लेकिन जो गारंटी रहेगी वो तीन महीने ही रहेगी और किसी भी तरह की कोई भी क्वालिटी होगी। उसके बाद में अगर ये चीज ये अगर कोई व्यापारी नहीं मानता है और उसके बावजूद भी अगर कोई वेस्टिंग गारंटी देता है या उसके ऊपर की कोई गारंटी देता है, देखो एक मेजोरिटी जो होती है वो एक सरकार होती है, सरकारें भी मेजोरिटी से बनती है, किसी बिना मेजोरिटी के सरकार भी कोई नहीं बनती। तो हमारी मार्केट के लिए ये जितने भी व्यापारी जो इकट्ठे हुए हो आज, ये अपनी एक सरकार है और एक सरकार ने एक रूल्स निकाला और रूल्स को सभी व्यापारियों को सामान्य रूप से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यापारी अगर तीन महीने के ऊपर की कोई वारंटी देता है या फिर पेस्टिंग वारंटी में माल बेचता है तो उस पर 1,00,000 रूपये का जुर्माना रखा गया है। उसके साथ में कुछ और भी बातें रखी गई हैं, वो उससे भी भयंकर रूप से हमारे लिए घातक हो सकती है अगर हमने ये रूल्स ब्रेक किया तो। उस व्यापारी के साथ में किसी भी जैसे हमारी दिल्ली की दिल्ली मोबाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन बनी है, वो किसी भी रूप से उसका साथ नहीं देगा, ना उसके साथ में खड़ी होगी और ना हमारे में से कोई भी व्यापारी उसके साथ में किसी भी तरीके का व्यापारिक रूप से उसका साथ में हम कोई भी कार्य करेंगे, उसके साथ में संपूर्ण व्यापारिक रूप से उसके साथ में कार्य बंद कर देंगे। हम किसी भी तरीके का इस व्यापारी के साथ में अगर ये कोई भी रूल्स ब्रेक करते हैं हम उसके साथ में किसी भी तरीके का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। ये जो दो बातें हैं, देखो आज हम सभी समझते हैं कि मार्केट से हम सभी बने, अगर मार्केट है तो हम लोग सभी हैं, क्योंकि हम सबसे ये मार्केट बनी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी सरकार सारी की सारी यहां खड़ी हुई है। कुछ व्यापारी जो नहीं आए हुए हैं उनसे फोन से सहमति ले ली गई है, कुछ फोन से भी संपर्क नहीं हो पाया है उनको, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है इसके अंदर, जो 11 से 15 लोगों को इस कमेटी की एक कमेटी बनाई गई है, वो सारी कमेटी उन व्यापारियों से डिस्कशन करेगी, उन व्यापारियों से ये रूल्स लागू करवाने के लिए आग्रह करेगी और वो लागू होगा।